ये दो घंटे एक ऊपर एक नीचे घर से बाहर अब दुआ आने का उससे भी बढ़कर जज्बा अता फरमा। या अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ है, हमने जो नेक दुआएं की हैं अल्लाह कबूल फरमा। हसबुनल्लाहु व निअमल वकील अपना बनाया कंप्लीट करते बच्चों के रेट क्योंकि जरा भी आता ना बच्चों के ब्रांड वो माइंड बना के आता कि मैं क्वालिटी का फायदा रिकॉर्ड है किसी एक ग्रुप को भी वो कराची हो लाहौर हो मुल्तान हो फैसलाबाद हो किसी एक ग्रुप को ये आजाद हासिल नहीं। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है और मेरे दोस्तों की बेपनाह मेहनत जिन्होंने बेपनाह मेहनत की है इसे ब्रांड बनाने में। और इसमें जिस चीज़ पे मैंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है वो है यूनिटी। और इस यूनिटी की भी धूम जो है वो पूरे पाकिस्तान में है। मेरे दोस्त जो स्टेज पे बैठे हुए हैं ये इस बात के गवाह हैं कि जब जलानी साहब कराची गए हैं कराची में हम बड़े बड़े फंक्शन अटेंड किए हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी आई है और वो इतने बड़े फंक्शन हद नगाह तक लोग। तो उसमें जब हमें बुलाया गया मैं मुझे अपनी कमाईगी का हमेशा एहसास रहा है। मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं बहुत अच्छा मुकर्रर हूँ लेकिन जब वहाँ पर मुझे बुलाया गया तो इतनी बेपनाह तालियां बाज़ औक़ात पूरे का पूरा पंडाल खड़ा हो गया। वो सिर्फ वो मेरे लिए नहीं वो सियालकोट के लिए मेरे दोस्तों ने जो काम किया है एयरपोर्ट बनाई है ड्राई पोर्ट बनी। सबसे पहले जो ड्राई पोर्ट सियालकोट में पहले तो मैं चैम्बर की बात ही कर लूँ मुझे आपके खाने की भी फिक्र है लेकिन मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। सियालकोट चैम्बर में जब हम इलेक्शन जीत के आए तो उस वक्त मेरी भी ख्वाहिश थी जब मैंने वहाँ पे फ़ोटो लगी हुई देखी प्रेसिडेंट्स की तो मेरे अंदर भी ये उमंग पैदा हुई कि मेरी फ़ोटो भी इसमें लगनी चाहिए। मैं साफ साफ बात बता रहा हूँ ध्यानदारी के साथ तो मेरा भी दिल चाहा कि ये इतनी खूबसूरत फ़ोटो है मेरी भी इसमें लगनी चाहिए। लेकिन जब मैं वहाँ जा कर बैठा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ नहीं ग्रुप मजबूत होना चाहिए। ग्रुप मजबूत होगा डिलीवर करेगा तो मेरी बारी भी आ जाएगी। अब अल्लाह ताला की करम नवाजी से खुदा के फजल से ग्रुप इतना मजबूत हो चुका है अब मेरी मुझे ये बारी देने के लिए भी नहीं तैयार है। अल्लाह ताला इस पे अपना करम करे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अदनान यूसुफ के घर में भी ये यूनिटी कायम रहे। ये यूनिटी कायम रहेगी तो ये फले फूलेगा। मैंने अक्सर ब्रांड देखे हैं बड़े बड़े ब्रांड
जब उनके घर में कोई ऐसी चीज पैदा हो गई है, कोई तफरका पैदा हो गया है, तो वो फिर ब्रांड ख़त्म हो गया। तो अल्लाह ताला इन सब को इतनी हिम्मत अता करे, इनमें यूनिटी कायम रखे। और मेरी आप दोस्तों से भी यही गुजारिश होगी कि इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप में दुआ करें कि ये यूनिटी कायम रहे। जिस तरह मैंने ये बात की है कि अब मैंने अपनी फ़ोटो, मेरी वो जो शनि बागे, अपने शहर के लिए काम करें, अदारे के लिए काम करें, इसी में हमारा नाम है, इसी में हमारी इज्जत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। प्लेटफॉर्म से इलेक्शन जीता हूँ और एक साल से मैं सियालकोट चैम्बर की एग्जीक्यूटिव पार्टी का मेंबर हूँ। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि जितनी दिलचस्पी के साथ इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप का सिटिंग जो ग्रुप होता है, दिलचस्पी के साथ और अपनी ज़ाती कोशिशों से बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को तवज्जो देता है और उनके हल के लिए कोशिश करता है, सियालकोट में कोई दूसरी जमात या कोई दूसरा ग्रुप इस तरह की कोशिश नहीं कर सकता। तो इसलिए आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि अपना कीमती वोट इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवारों को दें ताकि सियालकोट की तरक्की का सफर जारी और सारी रहे और सियालकोट किसी तरह तरक्की कर सके। बहुत शुक्रिया। सियालकोट जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।